हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेसन नंबर टेन अलेक्जेंडर द ग्रेट लेट्स स्टार्ट आर चैप्टर बेटा द वर्ल्ड हैज़ सीन मैनी एम्पर एंड किंग्स हमारे पूरे वर्ल्ड ने बेटा बहुत सारे राजा महाराजा सम्राट देखे हैं हमारे एंसियंट टाइम में हमारे प्राचीन समय में हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारे राजाओं को उनको रूल करते हुए देखा है अलेगजेंडर द किंग ऑफ मेसीडोनिया अ पार्ट ऑफ ग्रीस वॉज वन ऑफ दैम और जो अलेगजेंडर किंग थे ये राजा थे मैसेडोनिया के मैसेडोनिया कहाँ है अ पार्ट ऑफ ग्रीस ये ग्रीस कंट्री का एक हिस्सा है मैसेडोनिया सिंस चाइल्डहुड ही वॉज़ फियरलेस ब्रेव एंड स्ट्रांग और बचपन से ही अलेगजेंडर फियरलेस थे इन्हें डर नहीं लगता था एंड ही वॉज ब्रेव एंड स्ट्रांग रीड द फॉलोइंग टू नो मोर अबाउट हिम लेट्स विद कैरेक्टर्स किंग फिलिप अलेग्जेंडर्स फादर किंग फिलिप इसमें कैरेक्टर्स हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर हीयर किंग फिलिप अलेगजेंडर के फादर हैं ये एंड आर्मी जनरल आर्मी के प्रधान जनरल मीन्स ह्यर प्रधान है आर्मी के एंड द किंग ऑफ मैसेडोनिया मिनिस्टर एंड यू विल सी अ मिनिस्टर इन द चैप्टर अ मिनिस्टर इन किन किंग फिलिप्स किंगडम मिनिस्टर हैं ये किंग फिलिप के राज्य में ट्रेडर वन ट्रेडर कौन होते हैं व्यापारी जो बिजनेसमैन होते हैं अ ग्रीक होर्स ट्रेड्समैन हु ब्रिंग्स अ ब्लैक स्ट्रोंग हॉर्स टू द किंग ट्रेडर वन जो हैं ये अ ग्रीक हॉर्स ट्रेड्समैन हैं मतलब एक इनके पास काले रंग का घोड़ा था और ये ग्रीक से थे स्ट्रॉन्ग हॉर्स टू द किंग और ये राजा के लिए एक ब्लैक कलर का स्ट्रॉन्ग हॉर्स लेकर आए थे कौन ट्रेडर वन अलेक्जेंडर द ट्वेल्व ईयर ओल्ड ब्राइट यंग प्रिंस उस समय बेटा अलेगजेंडर जो यहाँ दिखाए गए हैं बारह साल इनकी उम्र थी क्वीन ओलंपिया एलेग्जेंडर्स मदर क्वीन ओलंपिया जो है वो अलेक्जेंडर की मदर हैं एंड द क्वीन और वो मैसेडोनिया की क्वीन भी हैं मेड सर्वेंट्स एंड यू विल सी इन द चैप्टर मेड सर्वेंट्स ये मेड सर्वेंट्स कौन हैं ये क्वीन ओलंपिया की मेड सर्वेंट्स हैं ट्रेडर टू ट्रेडर विजिटिंग द एनिमल फेयर ट्रेडर ट्रेडर टू एक कैरेक्टर हैं ये भी एक व्यापारी हैं जो एनिमल का फेयर लगता है फेयर मीन्स मेला एनिमल का मेला लगता है वहाँ पे ये विजिट करते हैं आते हैं ट्रेडर थ्री ट्रेडर थ्री इज ऑल्सो अ करेक्टर इन द चैप्टर हु विजिट इन द एनिमल फेयर नाउ सेटिंग देयर इज अ बिग एनिमल फेयर गोइंग ऑन एट किंग फिलिप्स कैसल ग्राउंड बेटा एक बहुत बड़ा एनिमल का फेयर लगा था एनिमल्स का मेला लगा था कहाँ लगा था किंग फिलिप का जो किला था उसके मैदान में जो किला था वहाँ एक ग्राउंड था वहाँ पर एनिमल का फेयर लगा था बहुत बड़ा लॉट्स ऑफ पीपल आर बिजी बाइंग एंड सेलिंग हॉर्सेस काउस बफेलोज पिग्स एंड अदर एनिमल्स बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे और अब कहाँ बिजी थे वो लोग कोई एनिमल्स को बाय कर रहा है कोई एनिमल्स को सेल कर रहा है अलग अलग तरह के एनिमल्स थे लाइक हॉर्सेस, काउस बफेलोज पिग्स एट्सट्रा ट्रेड्स मैन ऑल ओवर द कंट्री हैव ब्रॉड द बेस्ट एनिमल्स टू शो टू किंग फिलिप जो ट्रेड्स मैन थे जो व्यापारी थे पूरी कंट्री में से अपने बेस्ट एनिमल्स ढूंढकर किंग फिलिप के लिए वो लाए थे अमंगेस्ट ऑल द एनिमल्स अ बिग ब्लैक हॉर्स कैचिज द किंग्स अटेंशन फर्स्ट और सभी एनिमल्स में से एक ब्लैक कलर का बिग हॉर्स था वहाँ पर जिसने राजा की यानी कि किंग फिलिप की अटेंशन ली मींस वो घोड़ा जो था किंग फिलिप को सबसे पहले वो पसंद आया किंग फिलिप शाउटिंग फ्रॉम हिज पॉडियम इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड पॉडियम क्या होता है पॉडियम अ स्मॉल प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर पीपल मेक स्पीच जहाँ से लोग स्पीच देते हैं इन एवरी स्कूल यू कैन सी द पोडियम राइट तो शाउटिंग फ्रॉम हिज पोडियम इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड तो ग्राउंड के मिडल में पोडियम बनाया गया था वहाँ से शाउटिंग करते हुए किंग फिलिप ने क्या कहा ब्रिंग दैट हॉर्स टू मी ये घोड़ा मेरे पास लाओ आई वॉन्ट टू राइड इट मैं इसकी राइड करना चाहता हूँ मीन्स सवारी करना चाहता हूँ राइड मीन्स सवारी मिनिस्टर, माई लॉर्ड दैट हॉर्स इज वाइल्ड तो मिनिस्टर सजेस्टेड टू किंग फिलिप माई लॉर्ड ये जो घोड़ा है ये वाइल्ड है जंगली है नो वन हैज़ बीन एबल टू राइड इट और इस पर कोई भी राइड नहीं कर सकता there are many other good and strong horses in the fair today and minister suggested to king philip that there are lots of horses many good horses you can try that shall i get one of them for you so here minister is asking one question that shall i get one horse uh, for you king philip no i just want to ride that horse king philip denied ही सेट नो आई जस्ट वॉन्ट दैट हॉर्सिंग इट टू मी नाउ यस माई सायर यो सायर मींस महाराज यस माई सायर द ब्लैक वाइल्ड हॉर्स इज ब्रॉड टू द सेंट्रल ग्राउंड मीट फॉर द रॉयल फैमिली तो उस ब्लैक वाइल्ड हॉर्स को सेंट्रल ग्राउंड में लाया गया रॉयल फैमिली के सामने उसे पेश किया गया द हॉर्स जम्प्स अराउंड एंड किक्स इट्स हुव्स इन द एयर नॉट लेटिंग एनी वन गेट ऑन इट्स बैक द हॉर्स स्टार्टिड जम्पिंग एंड ही स्टार्टिड किस इट्स हुवज इन द एयर और उसने हवा में उसने हुव्ज़ उसके जो हु थे वो हवा में ऊपर ले जाने लगा नॉट लेटिंग एनी वन गेट ऑन इट्स बैक और अपने बैक पर उसने किसी को बैठने भी नहीं दिया द हॉर्स मास्टर अ ट्रेडर अब यहाँ पर हॉर्स मास्टर कौन है वो एक ट्रेडर हैं व्यापारी हैं दॉर्स मास्टर्स अ ट्रेडर कम्स फॉर्वर्ड एंड बोज इन फ्रंट ऑफ द किंग अब जो हॉर्स का मास्टर था वो एक व्यापारी था एंड ही कम्स फॉरवर्ड वो आगे आता है एंड बोज बोज मीन्स झुकाना सिर झुकाना इन फ्रंट ऑफ द किंग किंग के सामने उसने अपना सिर झुकाया किंग फ़िलिप दिस हॉर्स इज द स्ट्रोंगेस्ट दैट आई हैव सीन देन द किंग फिलिप सैड दैट आई हैव एवर सीन दैट द दिस हॉर्स इज द स्ट्रॉगेस्ट मैंने अब तक का ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट घोड़ा देखा है इज़ इट ट्रू दैट इट डज नॉट लेट एनी वन राइड इट क्या ये बात सही है हियर द किंग इज आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क इज हिययर सो द किंग इज आस्किंग क्वेश्चन हियर दैट इज इट ट्रू दैट इट डज नॉट लेट एनी वन राइड इट क्या ये बात सही है कि आज तक इसने कभी भी अपने ऊपर किसी को राइड नहीं करने दिया सवारी नहीं करने दी ट्रेडर दैट इज ट्रू माई लॉट तो ट्रेडर ने कहा हाँ ये बात सही है नो वन हैज बिन एबल टू राइड इट येट नॉट इवन मी तो ट्रेडर जो उसका मालिक था उसने कहा नो वन हैज बिन एबल टू राइड इट अभी तक कोई भी इस पर सवारी नहीं कर पाया है नॉट इवन मी मैं भी नहीं किंग फिलिप लेट मी ट्राई देन किंग फिलिप सेट लेट मी ट्राई आफ्टर अ टफ स्ट्रगल फॉर अबाउट एन आवर एंड अ हाफ टफ स्ट्रगल फॉर अबाउट घंटे तक वो स्ट्रगल चलता रहा किंग फिलिप so जो थे उन्होंने जब ट्राई करने की कोशिश की डेढ़ घंटे तक स्ट्रगल किया बट किंग फिलिप गिवज अपना त्याग देना सरेंडर कर देना किंग फिलिप गिव्स अप ट्राइंग टू गेट ऑन द हॉर्स बैक एंड जब वो कोशिश कर रहे थे हॉर्स बैक पर चढ़ने की लेकिन उन्होंने अब क्या कर दिया गिव अप कर दिया क्योंकि डेढ़ घंटे तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बट ही डिड नॉट गेट सक्सेस इट वॉज जस्ट टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब ऑन इट्स बैक विद द हॉर्स लिफ्टिंग इट्स लेग्स हाई अप सो यर किंग सेंग दैट इट वॉज टू डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए कि वो घोड़े की बैक पर चढ़े वो भी कब जब जो घोड़ा है वो अपनी टांगे जो उसकी लेग्स हैं उसको हवा में ऊपर की तरफ उछाल रहा है अलेक्जेंडर है बिन वॉचिंग एवरी थिंग स्टैंडिंग एट द फैंस सराउंडिंग द सेंट्रल ग्राउंड बट अलेक्जेंडर जो था वो सब कुछ देख रहा था एंड वेयर ही वॉज स्टैंडिंग ही वॉज स्टैंडिंग एट द फैंस जो बाड़ा बनाया गया था जो फैंस बनाया गया था सेंट्रल ग्राउंड के आचारों और वहाँ पर खड़ा वो देख रहा था अलेक्जेंडर रशिंग टूवर्ड्स हीज फादर एज ही वॉज़ रिटर्निंग टू द पॉडियम हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अलेगजेंडर ठीक है तो अलेगजेंडर रशिंग टुवर्ड्स हिज़ फ़ादर अपने फादर की तरफ भागता हुआ आया जैसे ही किंग फ़िलिप पॉडियम की तरफ आए तो अलेगजेंडर उनकी तरफ आया फादर फादर आई सिक परमिशन टू राइड दैट हॉर्स कि मुझे परमिशन चाहिए मैं इस हॉर्स को राइड करना चाहता हूँ किंग फ़िलिप नो अलेग्जेंडर दैट हॉर्स इज़ जस्ट टू वाइल्ड तो किंग फ़िलिप ने कहा नो no, एलेक्जेंडर ये जो घोड़ा है बहुत ज़्यादा जंगली है यू वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे अलेक्जेंडर नाउ अलेक्जेंडर इज सेइंग बट फादर आई रियली वांट दैट हॉर्स कि मुझे ये हॉर्स सच में चाहिए प्लीज़ गेट इट फॉर मी प्लीज़ इस मेरे लिए इसे लाओ किंग फ़िलिप सेड एलेक्जेंडर that horse is wild and it would be of no use here king philip is saying to alexander ki ye ghoda jangli hai aur ye kisi kaam ka nahi hai alexander said to his father father i want only that horse and i will ride it तो Alexander अपने father को यहाँ पर बार बार एक ही बात बोल रहा है कि I वॉन्ट that horse only और मैं इसी पर सवारी करूँगा आफ्टर सेंग दिस अलेक्गजेंडर मार्चिज ऑफ टुवार्ड द ग्राउंड इतना कहने के बाद अलेग्जेंडर जो है ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ता है हाउ एवर ही स्टॉप्स वैन ही हियर्स हिज फादर्स वॉइस लेकिन वैन ही हर्ड जब उसने अपने फादर की आवाज़ सुनी जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी तो वो वहाँ रुक जाता है किंग फ़िलिप आई एम वार्निंग यू अलेगजेंडर डू नॉट गो देयर हियर किंग फिलिप सेड दैट आई एम वार्निंग यू मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ अलेगजेंडर डू नॉट गो देअ अलेग्जेंडर टर्निंग अराउंड एंड फेसिंग हिज फादर अलेक्जेंडर टर्न करता है एंड अपने फादर की तरफ देखता है ऑल राइट फादर लेटस मेक अ पैक्ट चलो हम एक पैक्ट करते हैं मीन्स पैक्ट मीन्स यर एग्रीमेंट एक समझौता करते हैं क्या समझौता था इफ़ आई राइड दैट हॉर्स यू विल बाय इट फॉर मी इफ़ आई राइड अगर मैं इस पर सवारी करता हूँ तो आप मेरे लिए ये घोड़ा खरीदेंगे बट इफ़ आई एम नॉट एबल टू राइड इट आई विल बाय इट फॉर माई सेल्फ और कहता है अगर मैं इस पर सवारी नहीं कर पाया तो मैं इसे खुद अपने लिए खरीद लूंगा यहाँ क्या कह रहा है अलेक्जेंडर कहता है अगर मैंने सवारी कर ली सक्सेस हो गया तो आप इसे मेरे लिए खरीद देना लेकिन अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मैं इसे अपने लिए खुद खरीद लूंगा तो ये बात एलेक्जेंडर ने बोली है यहाँ अपने फादर को किंग फिलिप स्माइलिंग सन तो अपने सन को देखते हुए स्माइलिंग करते हुए कहते हैं यू स्पीक लाइक अ मैन ऑफ करेज बट आई डोंट थिंक यू आर स्ट्रांग इनफ टू फुलफिल योर एम्बिशन हेयर किंग फिलिप इज सेंग दैट तुमने एक शक्तिशाली एक साहसी मैन की तरह ये बात बोली है जो डरते नहीं हैं बट आई डोंट थिंक लेकिन मुझे नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो अपने इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलेक्सेंडर क्वाइटली टर्नज अवे लेकिन एलेक्जेंडर जो था वो चुप चाप मुड़ जाता है एंड सेट्स हिज आईज ऑन द होर्स और आगे की तरफ बढ़ता है लेकिन उसकी जो आइज़ होती हैं वो हॉर्स पर ही सेट होती हैं एज ही एंटर्स द ग्राउंड द हॉर्स बिगिनस टू लीप इन air एंड किक अराउंड बट Alexander डज नॉट गेट scared. हियर एज एलेक्जेंडर एंटर्स द ग्राउंड जैसे ही उसने ग्राउंड में एंटर किया द हॉर्स बिगिंस टू लीप इन द एयर तो अगेन द हॉर्स स्टार्टेड मूविंग अप एंड डाउन इन द एयर एंड किक अराउंड और किक करने लगता है बट अलेक्जेंडर डज नॉट गेट स्क्यर्ड लेकिन ये देखकर अलेक्जेंडर डरता नहीं है इन द मेन टाइम क्वीन ओलंपिया लुक्स अनहैप्पी एंड वरिड वॉचिंग हर सन विद द बिग वाइल्ड हॉर्स इन बिटवीन क्या हुआ बेटा जब क्वीन ओलंपिया ये चीज़ देख रही थी she was unhappy and worried about her son क्योंकि जो घोड़ा था बहुत बड़ा और जंगली था unable to hold herself back she talks to her husband as soon as he returns to the podium जैसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई क्वीन ओलंपिया जैसे ही किंग फिलिप पॉडियम पर वापस आए तो रानी जो थी वो किंग फिलिप से बात करती है किसके बारे में अलेक्जेंडर के बारे में क्वीन ओलंपिया व्हाट इज अलेक्जेंडर डूइंग तो क्वीन ओलंपिया ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू किंग फ़िलिप दैट व्हाट इज अलेक्जेंडर डूइंग समबडी मस्ट गो एंड स्टॉप हिम किसी को जाना चाहिए उसे रोकना चाहिए ही इज़ जस्ट अ बॉय वो एक लड़का है सिर्फ एक लड़का है किंग फिलिप वेल आई ट्राई टू बट ही डजेंट लिसन किंग फिलिप सैड दैट ठीक है मैंने कोशिश की बट वो सुनता नहीं है उसने नहीं सुनी डोंट वरी देर आर गार्ड्स हु विल नॉट लेट एनी थिंग गो रोंग सो हियर किंग फ़िलिप इज सेंग टू क्वीन ओलम्पिया दैट नो नीड टू वरी डोंट टेक टेंशन देर आर गार्ड्स वहाँ पर गार्ड्स हैं जो उसका ध्यान रखेंगे जो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे मेड सर्वेंट्स किंग फिलिप इज राइट तो मेड सर्वेंट्स जो थी क्वीन ओलंपिया की उन्होंने कहा किंग फिलिप इज राइट एलेक्सेंडर इज अनस्टॉपेबल माई लेडी तो हियर एलेक्सेंडर क्या है अनस्टॉपेबल कहा गया है अनस्टॉपेबल क्या होता है वन दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड जिसको रोका नहीं जा सकता तो अलेक्सेंडर क्या है अलेक्जेंडर एक ऐसा बॉय है जिसको रोका नहीं जा सकता वो अनस्टॉपेबल है माई लेडी ही वॉन्ट्स दैट होर्स द एंड वुड नॉट स्टॉप अंटिल ही गैट्स इट तो यहाँ पर मेड सर्वेंट्स कह रही हैं क्वीन ओलंपिया को वो अलेग्जेंडर जो है वो घोड़ा चाहता है एंड वुड नॉट स्टॉप और वो नहीं रुकेगा अनटिल ही गैट्सट जब तक वो उसे प्राप्त नहीं कर लेता एट द सेंट्रल ग्राउंड अलेगजेंडर नाउ क्वाइटली गोज नियर द होर्स सेंट्रल ग्राउंड में बेटा अलेक्जेंडर जो है क्वाइटली गोज नियर द होर्स हॉर्स के पास जाता है गेट्स होल्ड ऑफ इट्स रेन्स एंड इट्स हैड नियर गेट्स होल्ड ऑफ इट्स रेन्स रेंस क्या होता है आपने देखा होगा जब जिस एक रस्सी सी बंदी होती है घोड़े के पास नेक के पास जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है पकड़ा जाता है राइट सो so, उस ने उस रेन्स को एलेक्सेंडर ने पकड़ा एंड देन इट्स हेड नियर और उसको पकड़ के हॉर्स की जो नेक होती है उसको हेड होता है जो उसको अपने पास लेकर आता है किसके थ्रू रेंस के थ्रू रेन्स को पकड़ के ओके okay? अलेक्सेंडर पैटिंग द हॉर्स एंड स्ट्रॉकिंग इट्स नेक विस्पर्स एलेक्डर पैटिंग द होर्स पैटिंग मीन्स थप थपाते हुए एंड स्ट्रॉक नेक स्ट्रॉ मीन्स हल्का हल्का सहलाना उसके नेक को हल्का हल्का सहलाता है एंड विस्पर्स करता है उसके कान में बोलता है आई नो वट यू आर अ फ्रेट ऑफ मैं जानता हूँ तुम किस चीज से डर डरते हो लेट मी शो यू अवे टू ओवरकम यूर फीयर्स चलो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाता हूं जिससे तुम अपने डर पर काबू पा लोगे उसे जीत लोगे इफ इट अंडरस्टूड व्हाट एगले एलेक्जेंडर हैड सेड हॉर्स जो है यहाँ पर ने करता है सॉफ्टली ने क्या होता है क्राई ऑफ अ हॉर्स जैसे हॉर्स जब चिल्लाता है तो ने की जो साउंड आती है वो यहाँ पर बहुत सॉफ्टली ने करता है जैसे कि वो ये बात समझ गया कि अलेक्जेंडर उसे क्या कहना चाहता था तो बहुत सॉफ्टली हॉर्स यहाँ पर ने की साउंड निकालता है एवरी वन स्टार्ट्स विस्परिंग विद सरप्राइज वैन दे नोटिस अलेग्जेंडर हैज़ काम्ड द हॉर्स एवरी वन बेटा हु वॉज गैदरिंग देयर जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे एवरी वन स्टार्ट विस्परिंग हर एक ने विस्परिंग शुरू की जैसे ही उन्होंने ये देखा तो सब लोग विस्परिंग कर रहे हैं एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे हैं काना कर रहे हैं विद सरप्राइज उन्हें हैरानी की भी थी क्यों हैरान की थी वन दे नोटिस अलेगजेंडर हैज़ काम द हॉर्स जब उन्होंने नोटिस किया कि अलेग्जेंडर ने घोड़े को काम कर दिया है काम में शांत कर दिया है तो ये बात देखकर हर कोई वहाँ पर हैरान था क्योंकि घोड़ा क्या था वाइल्ड था वो कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था लेकिन अलेग्जेंडर की एक ही बात से घोड़ा क्या हो गया शांत हो गया इट इज नॉट जंपिंग अराउंड एनिमो King Philip and Queen Olympia stare at Alexander and the horse with eyes wide open. King Philip और जो uh, Queen Olympia थी वो अलेक्टरिंग कर रहे हैं घूर रहे हैं अपनी आंखें चोरी करके मतलब क्योंकि एवरी वन वो शॉक्ड थे, और हैरान थे वो भी हैरान थे पब्लिक भी हैरान थी इन द क्राउड टू ट्रेडर्स stunned. as many others watching the young prince mumbled amongst themselves aur bheed mein traders bhi do the do vyapari aur the who were also as stunned wo bhi stunned the surprised the as many others जैसे बाकी लोग surprised थे वो traders भी surprised थे जब उन्होंने छोटे से प्रिंस को यंग प्रिंस को देखा मम्बल्ड अमंगेस्ट दैमसेल्व्स मम्बल्ड मीन्स यर स्पॉक इन विस्पर्स तो एक दूसरे के कानों में विस्परिंग कर रहे हैं दोनों ट्रेडर्स भी विस्परिंग कर रहे हैं क्योंकि वो भी सरप्राइज थे उस घोड़े के बारे में ऐसा देखकर कि घोड़ा अब क्या है काम हो गया है शांत हो गया है तो ट्रेडर टू नो वन हैज़ बीन एबल टू काम दैट हॉर्स लाइक दिस बिफोर तो हियर ट्रेडर टू इज से आज से पहले कोई भी इस घोड़े को इतना शांत नहीं कर पाया आई सिंपली कांट बिलीव इट तो हियर ट्रेडर टू इज सेइंग दैट मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं विश्वास नहीं कर सकता तो ट्रेडर थ्री यस प्रिंस एलेक्सेंडर इज सर्टेनली वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट तो यहाँ पर बोला गया है ट्रेडर थ्री के द्वारा हाँ प्रिंस एलेक्जेंडर इज सटेनली वेरी ब्रेव प्रिंस एलेक्जेंडर इज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट एलेक्जेंडर स्लोली टर्निंग द हेड ऑफ द हॉर्स टुवार्ड्स द सन एंड विस्परिंग हियर एलेक्जेंडर ने क्या किया धीरे धीरे हेड जो हॉर्स का हेड था उसको टर्न किया सन की डायरेक्शन की तरफ एंड विस्परिंग और विस्प्रिंग कर रहा है हॉर्स के साथ क्या कहा उसने ऑलवेज लुक एट द सन गॉड फॉर स्ट्रेंथ पावर ब्रेवरी एंड फॉर गेट द थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ यहाँ पर एलेक्जेंडर ने होर्स से भी कहा है और एक मैसेज हम सब के लिए भी है कि ऑलवेज लुक ऐट द सन गॉड फॉर स्ट्रेंथ हमेशा ताकत के लिए पावर के लिए ब्रेवरी के लिए लुक ऐट दन गॉड फॉरगेट द थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ और उन चीजों के लिए उन चीजों को भूल जाइए जिससे आप डरते हैं जिनसे आपको डर लगता है उन चीजों को याद मत रखिए और लुक एट द सन फॉर स्ट्रेंथ आई नेम यू ब्यूसीफुलस एंड यू विल ऑलवेज बी माई कंपेनियन हीजेंडर इज सेंग के मैं तुम्हें नाम देता हूँ ब्यूसीफुलस एंड तुम हमेशा मेरे क्या रहोगे तुम हमेशा मेरे कंपेनियन रहोगे फ्रेंड रहोगे हियर अलेक्जेंडर इज सेन लेटस्ट कॉन्क्वा द वर्ल्ड टुगेदर चलो इस वर्ल्ड को मिलकर विन करते हैं मींस विन जीतते हैं अलेक्जेंडर देन माउंट्स द हॉर्स एंड राइड्स अवे इन टू द हो अलेक्जेंडर जो है तब घोड़े पर बैठता है माउंट्स मीन्स दैट टाइम बैठना घोड़े पर बैठना एंड राइड्स अवे इन टू द हॉरीजोन और हॉरीजोन मीन्स यर सीमा होती है जो उसकी तरफ राइड करने आगे बढ़ता है द क्राउड चीयर्स जो क्राउड है वो चिल्लाता है खुशी से ऑन From बिहाइंड जब अलेक्जेंडर चला जाता है घोड़े पर बैठकर क्राउड पीछे से चिल्लाता है रियलाइजिंग लिटल दैट दिस यंग बॉय वुड सून हैव वर्ल्ड एट हिज वीट फीट तो यहाँ पर वर्ल्ड जो क्राउड वहाँ पर था उसे ये रियलाइज़ हो जाता है वो ये बात जान जाता है रियलाइजिंग मीन्स यर नोइंग जानना तो क्राउड ये बात जान जाता है उसका ये एक्शन देखकर कर अलेक्जेंडर का फियरलेस एक्शन देखकर ब्रेवरी देखकर क्राउड ये बात रियलाइज कर जाता है कि ये यंग बॉय जो है एक दिन सारा संसार इसके पैरों में होगा दिस वॉज जस्ट द बिगनिंग ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी सो दिस वॉज अवर चैप्टर बेटा एलेक्जेंडर द ग्रेट थैंक यू टेक केयर ब बाय